तो सबसे पहले आज आप सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में एकॉस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। एकॉस्टिक्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं और उसको दूर कैसे करें। यानी एकॉस्टिक्स जो चैप्टर था, यूनिट था, उसमें जितने भी टॉपिक थे वो लोग हम लोग पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडोर लाइटिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडोर लाइटिंग क्या होता है, इंडोर लाइटिंग में जितने सारे टर्म है वो, लाइट का इंटेंसिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक घर है उसमें लाइट कैसा होना चाहिए ताकि वो हमें या जो भी जिसको भी लाइट का ज़रूरत है उसको कोई लाइट का इफ़ेक्ट नहीं हो। जैसे कहीं कहीं पे देखते हैं कि लाइट के वजह से आँख दर्द देने लगता है, तो क्या होता है, लाइट का उसमें क्या रोल है, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं वीडियो में। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं सबसे पहले इंडोर लाइटिंग। पढ़ने से पहले समझना होगा हम लोग को कि लाइटिंग क्या होता है। ये टर्म आने से पहले हम लोग को इतना जानना होगा कि लाइटिंग क्या होता है। लाइटिंग, तो लाइटिंग देखिए हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, उसको फिर समझाते हैं। बोलता है लाइटिंग इज़ द यूज़ ऑफ लाइट। लाइटिंग क्या है, यूज़ ऑफ लाइट है। हम लोग क्या करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे। टू अचीव, किस लिए लाइट का यूज़ करेंगे, टू अचीव प्रैक्टिकल एंड एस्थेटिक इफेक्ट। प्रैक्टिकल का मतलब समझ रहे होंगे, आम जो हम लोग को जो ज़रूरत है प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइट का जो ज़रूरत है उस चीज़ को पाने के लिए, और एस्थेटिक सुंदरता, सौंदर्य, उसको इफेक्ट को पाने के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे। यही क्या कहलाता है, लाइटिंग कहलाता है। इसको और हम समझते हैं, ये ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। लाइटिंग क्या है, ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइटिंग एक ऑप्टिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइट का यूज़ के बारे में क्यों पढ़ेंगे, लाइट का यूज़ करके हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में जो लाइट से ज़रूरतें हैं उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे एक्चुअल प्रैक्टिस में। और क्या करेंगे, आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल में, मोबाइल से फ्लैश जलाने के बाद या कमरा में, एक रूम में लाइट जलाने के बाद कुछ और ही इमेज होता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट लाइट। तो वही बता रहा है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो ज़रूरत है वो, तथा एस्थेटिक इफेक्ट पाने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए, इमेज को या देखने में अच्छा लगने के लिए, इन सारी बातों के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटिंग बोलते हैं। फिर से एक बार, लाइटिंग क्या है, तो ऑप्टिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्यों पढ़ेंगे हम लोग, तो लाइट का यूज इसलिए पढ़ेंगे, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हम लोग को ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तथा एकॉस्टिक्स इफेक्ट पाने के लिए, सॉरी एस्थेटिक इफेक्ट पाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि लाइट का जो हम लोग यूज़ करेंगे वो लाइट कौन से होंगे, नेचुरल या आर्टिफिशियल। जैसे कि हम लोग एक बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब कहाँ से लाइट आ रहा है, ये आर्टिफिशियल ही हुआ, मानव मेड हुआ, यानी ह्यूमन के द्वारा बल्ब बनाया गया है, तो ये भी एक लाइट का सोर्स है। और एक जो आम डे लाइट आता है, यानी दिन का सूरज के वजह से जो लाइट आता है वो, तो ये लाइट जो हो गया वो आर्टिफिशियल हो गया, यानी मानव, यानी ह्यूमन के द्वारा। और जो दिन में जो डे का लाइट है वो नेचुरल लाइट हो गया। तो इन दोनों लाइट के बारे पढ़ेंगे, यानी लाइटिंग में सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स में भी आर्टिफिशियल एंड एंड नेचुरल, नेचुरल सोर्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, दोनों में से कोई सोर्सेस हो सकते हैं।
हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग ये नहीं कंसिडर करेंगे कि वो लाइट सोर्स नेचुरल है तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि हाँ एक अगर रूम है तो इसमें अगर एक विंडो छोड़ दिया जाए तो लाइट ज़्यादा आएंगी। तो वो लाइट ज़्यादा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? विंडो से जो लाइट आ रहा है वो कौन सा इफेक्ट, कौन सा सोर्स की वजह से आ रहा है? नेचुरल सोर्स की वजह से। तो इन सारी बातों के बारे में जिस पार्ट में हम लोग ऑप्टिक्स के पढ़ेंगे उस पार्ट को क्या बोला जाएगा? लाइटिंग बोला जाएगा। अब यहीं से टर्म आता है इंडोर लाइटिंग। तो इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन तो दो होते हैं। पहला इंडोर लाइटिंग और दूसरा आउटडोर लाइटिंग। इसका अगर लाइटिंग का एग्जांपल की बात करें तो समझिए कि पहले पहले हम लोग जो लाइट का घर में जो लाइट का सोर्स लगाते थे वो कौन सा? इनकंडेंसेंट लैंप लगाते थे, बल्ब लगाते थे। कौन सा? वो पीला वाला बल्ब। लेकिन अब जनरली एलईडी का जनरली यूज़ करते हैं या सीएफएल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग वहाँ से देख रहे हैं कि नहीं कि पहले के कंपैरिजन में जो एलईडी या सीएफएल के द्वारा जो लाइट हमको मिलता है वो एज़ कम्पेयर इनकंडेंसेंट लैम्प वाला जो 10 रुपये वाला बल्ब या पीला वाला जो बल्ब होता है उसके कंपैरिजन में लाइट यहाँ से इस सोर्स से बेटर मिलते हैं। तो हम लोग लाइट का यूज़ के बारे में ही ना, रिक्वायरमेंट के बारे में ही ना पढ़ें, तो यहाँ से लाइटिंग के बारे में इसी चीज़ के बारे में बताएगा, इसके बारे में कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सा लाइट सूटेबल है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, लाइट की जितनी प्रॉपर्टी है वो कितनी होनी चाहिए, उन सारे बारे सारे के बारे में लाइटिंग क्या करता है, बताता है। हम आगे आ रहे थे इंडोर लाइटिंग और आउटडोर लाइटिंग। तो इंडोर लाइटिंग जैसा कि नाम देख रहे हैं, लाइटिंग के बारे में तो हम लोग अभी समझें कि लाइट के यूज़ के बारे में पढ़ें। इंडोर लाइटिंग कहने का मतलब क्या होगा? तो इंडोर लाइटिंग जब हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर कहने का मतलब क्या, जैसे एक घर हुआ, एक लाइटिंग का अरेंजमेंट कहाँ करते हैं? जैसे एक शमियाना बनाना होता है, शमियाना समझ रहे होंगे, एक बराती आता है तो उसके लिए भी बाहर व्यवस्था किया जाता है। तो वो खैर अलग बात हुआ। तो जो घर के बाहर लाइट का अरेंजमेंट किया जाएगा वो आउटडोर हो जाएगा, लेकिन जो घर के अंदर, जैसे एक बिल्डिंग में हम लोग लाइट का अरेंजमेंट करते हैं, घर के अंदर हुआ ये, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम लोग लाइट का अरेंजमेंट करते हैं, तो घर के अंदर हुआ ये, तो जो लाइटिंग का अरेंजमेंट किसी बिल्डिंग के अंदर किया जाएगा उस लाइटिंग अरेंजमेंट को या उस लाइटिंग को हम लोग कौन सा लाइटिंग बोलेंगे? इंडोर लाइटिंग बोलेंगे। तो आउटडोर किसको बोलेंगे? तो वही जो हम लोग घर के बाहर कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, गली में भी लाइट का अरेंजमेंट होता है कि नहीं? तो गली में बताइए कि जो बल्ब यहाँ पे हम लोग घर में लगाते हैं, क्या गली में या रोड पे या स्टेडियम में जो लाइट लगता है क्या वही लाइट होता है? नहीं, वहाँ पे उसका जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि वहाँ पे दूर तक जाना चाहिए, ज़्यादा दूर में उसका एरिया होता है लाइट को प्रोवाइड करने का। लेकिन एक कमरा में हम लोग एक बल्ब के द्वारा कर लेते हैं, क्या पूरे गली में या स्ट्रीट में एक बल्ब के द्वारा कर लेंगे? नहीं। तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये सारी बातें किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडोर लाइटिंग का एग्जांपल क्या होगा? जैसे घर में हम लोग लाइटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसी घर में लाइट का अरेंजमेंट करना, बल्ब का अरेंजमेंट करना, इंटेंसिटी वहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइट का इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में अगर घर के अंदर हम लोग ये लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो वो इंडोर होगा। दूसरा आउटडोर, आउटडोर का एग्जांपल बताएं कि स्ट्रीट लाइटिंग हो जाएगा, रोड लाइटिंग हो जाएगा, स्टेडियम में हो जाएगा, और भी जितने घर के बाहर लाइटिंग अरेंजमेंट होंगे वो सारे कौन सा में आ जाएंगे? आउटडोर लाइटिंग में। अब दोनों पार्ट के लिए ये कुछ टर्म हम लोग पढ़ेंगे, लाइटिंग हम लोग क्लियर किए और उसका दोनों टाइप क्लियर किए। तो जैसे इंडोर लाइटिंग में भी लाइट का प्रॉपर्टी का यूज होगा, आउटडोर लाइटिंग में भी लाइट का प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो लाइट के प्रॉपर्टी या लाइट से रिलेटेड जितने सारे टर्म होंगे उस टर्म को हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे।
अब वो जो टर्म होंगे वो दोनों के लिए यूज़ होंगे। हालांकि हम लोग को कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंडोर लाइटिंग के बारे में पढ़ना है और हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इंडोर लाइटिंग में जो लाइट का प्रॉपर्टी होगा, क्या लाइट का प्रॉपर्टी आउटडोर में चेंज हो जाएगा? नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको क्लियर करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे लाइट। सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना होगा कि लाइट आखिर क्या होता है। हम लोग लाइट क्या जानते हैं, किसको बोलते हैं लाइट? आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार का संज्ञा है। क्या है? लाइट एक प्रकार का संज्ञा है या सर्वनाम है, यही पढ़े थे। नहीं, देखिए क्या है लाइट। लाइट क्या है? हम लोग और पढ़े होंगे 10th क्लास में कि लाइट एक एनर्जी का प्रकार है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को देख सकते हैं। यही पढ़े होंगे लाइट का डेफिनेशन, पढ़े होंगे कि नहीं? हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा पढ़ेंगे। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ विच हैव वेवलेंथ कितना से कितना तक? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। ध्यान रखिएगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे होंगे, जरूरी तो नहीं है कि जिसको हम पूरा लिमिट कर सकें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक है। बात समझ रहे होंगे? तो उसमें जैसे हम लोग बोले कि यहाँ 0 से शुरू होकर के वेवलेंथ और बहुत दूर तक जा रहा है। बहुत दूर मतलब इतना से ज़्यादा तक जा रहा है। बात समझिएगा, ये निगेटिव में भी हो सकता है। चलिए माइनस इनफाइनाइट से कर देते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक करते हैं। ये हमने एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। तो इन सारे में वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकते हैं। ये सारे में जो वेवलेंथ है वो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अलग बात हुआ। हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने सारे हैं, कितने दूर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कितने वेवलेंथ को हम लोग लाइट बोलेंगे? जैसे गामा रेज, एक्सरे, रेडियो वेव्स, बहुत सारे होते हैं। सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, वेव ही तो है। तो बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्या बताएं? एक्सरे भी है, गामा रे भी है, रेडियो वेव्स भी है और भी बहुत सारे हैं, इंफ्रारेड वेव्स है। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या सभी को हम लोग लाइट बोल देंगे? नहीं। इसीलिए एक स्पेसिफिक बताया गया कि विच हैव वेवलेंथ कितना से कितना तक? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक, तब उस वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। बात याद रखिएगा, ये 10th क्लास वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा कि ये एक किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच हैव वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम एंड या विच परसीव बाय ह्यूमन आई। एक बताओ, और इतना से इतना तक के अंगस्ट्रम के लाइट को जो हमारा आँख होता है वो अनुभव करता है। बात समझिएगा, अब इस एक्सरे को
एक्सरे को या गामा रे को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो जो हमारा आँख का सेंस करने का जो कैपेसिटी है वो कितना अंगस्ट्रम से कितना अंगस्ट्रम तक का है, तो 4000 अंगस्ट्रम से 7000 अंगस्ट्रम के बीच का जो वेवलेंथ है उसी वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आँख भी क्या करता है, परसीव कर पाता है, यानी अनुभव कर पाता है लाइट के। तो ये था लाइट का डेफिनेशन। अब एक बात और टर्म आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइट है, जो आँख है, वो आई मोस्टली मोस्ट सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोस्ट सेंसेटिव है 5500 एंगस्ट्रम के आसपास, यानी वह लाइट जो कितना एंगस्ट्रम का हो, 5500 एंगस्ट्रम जिसका वेवलेंथ हो, उस वेवलेंथ को हमारी आँख सेंस करने में ज़्यादा सेंसेटिव है, यानी उस लाइट को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। कौन? हमारा आँख। तो ये था लाइट के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइट फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और क्या पढ़ेंगे, तो और पढ़ेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जितने सारे इसमें टर्म होंगे वो सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उस सारे टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और लाइट का जो मेजरमेंट यहाँ पे, लाइट फ्लक्स का जो मेजर किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि लाइट का यूज़ हम लोग सिर्फ देखने के लिए ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, वो बात क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स ये क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, तो बात एक एक पॉइंट समझिएगा, ये ल्यूमिनस फ्लक्स हर एक डिफिनेशन में आएंगे, तो बात को समझिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स बताता है कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इमिटेड बाय या रेडिएटेड बाय अ सोर्स इन यूनिट टाइम, सोर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स किसे बोलते हैं, तो किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी सोर्स के द्वारा जो लाइट एनर्जी एक यूनिट टाइम में, मान लिया जाए कि 5 मिनट में या 5 सेकेंड में, जो भी लाइट का यूनिट होगा 10 जूल होगा, 10 जूल होगा। लाइट का भी, जैसे लाइट भी क्या है, एनर्जी ही तो है, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, 5 जूल में ही होगा, तो 10 जूल हुआ। तो बोल रहा है यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, 10 जूल और बाय 5, बात समझिएगा। तो बोलिएगा ये तो एनर्जी बटा टाइम हो गया, बिल्कुल ये एनर्जी बटा टाइम ही है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी कौन सा होता था, जो पिछले हम लोग देखे थे या पीछे जो पढ़े हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, और इसको हम लोग जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वाट नहीं बोलेंगे, ये किसका यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन, इट्स यूनिट इज ल्यूमेन, इट्स यूनिट इज ल्यूमेन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ल्यूमेन बोलेंगे। तो बताइए कि इसका, जैसे हम अभी बताएं कि 5 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है, तो बताइए कि उसका ल्यूमिनस फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो 10/5 यानी 2 ल्यूमेन, ल्यूमेन
आप इसको व्हाट कंपेयर नहीं कर दीजिएगा, व्हाट नहीं बोलिएगा, हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पावर वाला ही है। जैसे कि पिछले में क्या पढ़े थे, पीछे वाले वीडियो में लाइट से रिलेटेड नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, या नहीं पढ़े हैं तो जो पढ़े होंगे 10th क्लास में, कि पावर किसको बोलते हैं, द इन रेट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का हम लोग दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पावर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे भी एनर्जी का दर ही निकाल रहे हैं, लाइट एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स इन यूनिट टाइम। हम लोग यहाँ पर भी पावर पावर ही निकाल रहे हैं, लेकिन किसके टर्म में, लाइट के, लाइट एनर्जी के टर्म में निकाल रहे हैं। तब यहाँ पे हम लोग जो यूनिट देंगे वो वाट नहीं देंगे, क्या यूनिट देंगे, ल्यूमेन यूनिट देंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ल्यूमिनस ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर लाइट एनर्जी रेडिएटेड बाय सोर्स बटा टाइम टेकन, यानी बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लगा उस एनर्जी को रेडिएट करने में या इमिट करने में, तब जो उसका हम लोग रेट निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट हर एक डिफिनेशन में आगे आएगा। अच्छा जरा बताइए कि लाइट इमिटेड कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे लाइट आग जला के तो इमिट करने वाले हैं नहीं, बात समझिएगा एक एक पॉइंट को। हम लोग यहाँ पे जो लाइट का यूज़ करेंगे वो आग जला करके यूज़ करेंगे लाइट का नहीं ना, वो किस चीज़ से करेंगे, तो या तो बल्ब से करेंगे या जो भी इक्विपमेंट हो लाइट इमिट करने का। यहाँ पे जो हम लोग घर को, घर में लाइट का जो अरेंजमेंट करते हैं, तो जनरली जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे वो कौन सा चलेंगे, कि बल्ब के द्वारा लाइट जो क्रिएट होगा वो, और क्या होगा, यानी सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा जो लाइट एनर्जी मिलेगा उसी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हम लोग जनरली क्या मान करके चलेंगे कि लाइट यहाँ क्रिएट होगा। अब बताइए एनर्जी का, मान लिया जाए कि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर की बात करें कि 10 वाट दे रहे थे पावर, 10 वाट पावर दे रहे थे, और हमको यहाँ से लाइट कितना मिला, 5 ल्यूमेन लाइट मिला। तब जरा बताइए कि ये वाला क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इफिशियंसी बोलते हैं, कि हम लोग एक इक्विपमेंट में इतना वाट पावर दे रहे हैं और बदले में हमको कितना ल्यूमेन क्या मिल रहा है, कितना ल्यूमेन हम लोग को ल्यूमिनस फ्लक्स मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, ल्यूमिनस इफिशियंसी कहलाता है, ल्यूमेन पर वाट। आगे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को, इससे पहले हम लोग को और भी कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये क्या था, ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको फाइ से डिनोट कर, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसका PDF नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए द शानदार, आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, इससे के बाद जो समझना है वो क्या समझना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेशन। उससे पहले हम लोग को पढ़ना होगा प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। हालांकि ये सारी टर्म, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, पहले से ही पता होगा, फिर भी हम ये मान करके चलेंगे कि बताना है। प्लेन एंगल क्या होगा, प्लेन का एंगल कहने का मतलब कि वैसा एंगल जो एक प्लेन में बना हुआ हो। तो बोलिए सॉलिड एंगल क्या बनेगा, प्लेन में बना है तो वो उबड़ खाबड़ में बनेगा नहीं, बात को समझिएगा। प्लेन कहने का मतलब एक ये सरफेस, यानी जब एक लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे जो झुकाव होता है या एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन एंगल बोलेंगे। अब प्लेन एंगल कहने का मतलब हुआ कि ये कितना में बना, एक प्लेन में ही बन गया, ये किसी भी एक प्लेन की बात करता है, एक प्लेन की बात करता है। यहाँ पे कोई, यानी सिंपली इसको समझे तो टू डायमेंशन होगा,
टू डायमेंशन कैसे होगा जरा बताइए। एक अगर मान लिया जाए कि रेफरेंस लिया जाए तो हम लोग को कहाँ से कहाँ, एक तो टू डायमेंशन कहने का मतलब कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, यानी जब हम रेफरेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही तो टू डायमेंशन होता है। अगर ये दोनों एक्सिस अगर हम लोग कंसिडर करें और इसमें हमारा जो डायग्राम है या फिगर है वो बन जा रहा है तो वो कौन सा होगा, टू डी या टू डायमेंशन या एक प्लेन। लेकिन थ्री डायमेंशन क्या होता है, एक और तीसरा एक्सिस आता है, कौन एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। अब इन तीनों के बीच का जो 90 डिग्री बोलेगा ये 360 डिग्री होता है, यहाँ पे ये भी आपस में परपेंडिकुलर, ये भी आपस में परपेंडिकुलर, ये भी आपस में परपेंडिकुलर। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि एक सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ से 90 बना दिए, यहाँ से भी 90 बना दिए, 90 तो कितना हुआ 270, और 90 कहाँ गया मेरे भाई। ये जो है देखिए, ये जो एंगल बनाया हुआ है ये वो कुछ इस तरीके का, एक मेरा ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हुआ, एक ये कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इस 3D में हम लोग किसी भी थ्री डायमेंशनल में हम लोग कोई भी एरिया को, सरफेस को, सारे टर्म को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल एक प्लेन में दो इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो फिर से हम दिखा देते, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी एक प्लेन बोले या टू डायमेंशन बोले, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे हम लोग, प्लेन एंगल बोलेंगे। तब बोलिएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल को जैसे इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, ये डायरेक्टली बना, लेकिन सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशन होता है, 3D होता है। 3D कहने का मतलब क्या, सॉलिड एंगल किसी एरिया के द्वारा, बात समझिएगा, किसी एरिया के द्वारा एक पॉइंट पे, किसी एरिया के द्वारा एक पॉइंट पे बनाया गया एंगल क्या कहलाएगा। जैसे आप लोग वो आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम में जो ये त्रिकोना या जिसको क्या बोलते हैं, कोन, शंकु, देखिए तो ये वाला क्या होता है, ये भी बोलिएगा कि ये भी तो एक प्लेन में ही है, ये बिल्कुल हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं प्लेन में, लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसा कर रहा है, ये थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले थ्री डायमेंशन कहाँ हुआ, चलिए हम थ्री डायमेंशन बनाते हैं, देखिए ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स और ये हुआ जेड। तो इस लाइन को अगर हम लोग और लंबा रिप्रेजेंट करें, देखिएगा यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है, अब ये प्रैक्टिकल हुआ, ये एक्स वाई जेड, ये जो ऊपर जा रहा था उसमें भी ये इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो ये ऊपर जा रहा था तो जेड और एक्स और वाई तीनों एक्सिस में आ जाएंगे, कैसे आएंगे जरा इस बात को समझिए। तो एंगल बनाने के लिए हम लोग दिखाते हैं एंगल कौन सा, देखिए एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें तो हम इसका, चलिए देखिए सॉलिड एंगल क्या होगा, तो सॉलिड एंगल इस वाले एंगल को, कौन वाले एंगल को, देखिए ये वाला एंगल, यानी ये एक क्या हुआ, ये देखिए ये क्या हुआ, इसका एक एरिया हुआ, इस एरिया के द्वारा एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, इस एरिया के द्वारा एक पॉइंट पे बनाया गया जो एंगल, ये एंगल कैसा हुआ देखिएगा, एक एरिया के द्वारा एक पॉइंट पे बनाया गया एंगल, तब ये एंगल कौन सा होगा, ये क्यूब कोण के जैसा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये वाला एंगल को हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब दोनों का मेजरमेंट किस चीज में, तो इसका मेजरमेंट रेडियन में, रेडियन में, और इसका एस्टेरेडियन में, इसका रेडियन में और इसका एस्टेरेडियन में, दोनों का ये यूनिट हुआ। इसको अब हम लोग फिगर से देखते हैं कि कौन वाला सॉलिड एंगल होगा और कौन वाला
प्लेन एंगल होगा। चलिए देखते हैं, ये वाला क्या हुआ, सॉलिड एंगल हुआ, और एक ये वाला एंगल, ये एक एरिया हुआ, और इस एरिया के द्वारा जो इस पे एंगल बनाया जा रहा है वो वाला एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, यूनिट प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरा जो टर्म आता है वो आता है, नेक्स्ट टर्म में हम लोग चलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये ध्यान रखिएगा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आप लोग पढ़े होंगे जब हम ही पढ़ाए थे कौन सा फंडामेंटल या यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम बताए थे कि सात फिजिकल, सात फंडामेंटल यूनिट हैं, उसमें भी इसका टर्म आया था, इसका यूनिट आप लोग को पहले से ही पता हो, लेकिन डिफिनेशन समझते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। तो अभी अभी हमने इससे पहले क्या बताया, ल्यूमिनस फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड, रेडिएटेड बाय ए सोर्स, बाय ए सोर्स इन यूनिट सॉलिड एंगल। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्यों पढ़े। देखिए यहाँ पे सॉलिड एंगल का यूज़ हो रहा है, और सॉलिड एंगल को जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो यूनिट सॉलिड एंगल इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय ए सोर्स इन यूनिट सॉलिड एंगल। अब इसका प्रैक्टिकल समझिएगा कि एक बल्ब है, मान लिया जाइए एक बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है, तो बताइए बल्ब से किस किस डायरेक्शन में लाइट इमिट किया जाएगा। तो ये बल्ब है, तो अगर ये बल्ब जिधर जिधर से, इधर भी लाइट निकल रहा है, इधर भी लाइट निकल रहा है, इधर भी, यानी इसके सारे डायरेक्शन में जहाँ पर भी इससे पॉसिबल है कि लाइट से, अगर सोर्स से लाइट निकल रहा है वो उधर उधर निकलेगा, तब यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे इससे निकल रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मान लिया जाए कि 10 जूल निकल रहा है 10 सेकेंड में, तो उसका ल्यूमिनस फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 ल्यूमेन। ध्यान रखिएगा ल्यूमिनस फ्लक्स कितना, 1 ल्यूमेन। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ से सारे डायरेक्शन में जा रहे थे लाइट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक सॉलिड एंगल लेंगे। अभी अभी बताए थे सॉलिड एंगल, चलिए देखिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ये क्या है, एक लाइट सोर्स है या सोर्स ऑफ लाइट है जिससे सारे डायरेक्शन में निकल रहे हैं लाइट। अब हम लोग यहां से कंसिडर करेंगे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी ये सोर्स है, इस सोर्स से इधर भी लाइट निकल रहे हैं, इधर भी लाइट निकल रहे हैं, इधर भी लाइट निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक सॉलिड एंगल में लिए कि इस यूनिट सॉलिड एंगल में कितना लाइट फ्लक्स आ रहा है या ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, वहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा, किसका किसका रेशियो, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का, इस डायरेक्शन में ल्यूमिनस फ्लक्स कितना आ रहा है और सॉलिड एंगल कितना ले रहे हैं, इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो वो क्या बताएगा, हमको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय सोर्स, सोर्स के द्वारा ऑल डायरेक्शन में ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या किया जा रहा है, रेडिएट किया जा रहा है, लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेंगे सॉलिड एंगल में, तब जो यहाँ से जो आंसर आएगा, यानी मान लिया जाए कि 10 स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में, 10 स्टेरेडियन में फ्लक्स का वैल्यू 10 फ
5 ल्यूमेन हो जाएगा। तो बताइए कि इंटेंसिटी कितना होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो 5 ल्यूमेन क्या बोलता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स बाई स्टेरेडियन 10, तो कितना हो जाएगा 0.5। क्या इसका यूनिट होगा, तो इसका यूनिट कैंडेला पढ़े हैं हम लोग, इट्स यूनिट इज कैंडेला, सीडी से जिसको डिनोट करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा 0.5 सीडी। ये था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद टर्म है फिर से एक बार ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय ए सोर्स इन यूनिट सोलिड एंगल। हम लोग देखें कि 5 स्टेरेडियन सोलिड एंगल में फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय आई। बोलिएगा आई से तो बहुत सारा डिनोट करते हैं, तो अलग अलग एरिया होता है, हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में आई क्या डिनोट करेगा, अब समझ गए होंगे, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई ओमेगा। अच्छा एक बात, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी यानी इसका यूनिट क्या, कैंडेला, तो 1 कैंडेला बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग 1 रख देंगे 1। तो बताइए 1 कैंडेला बराबर क्या हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन और इसका ओमेगा का स्टेरेडियन, यानी 1 कैंडेला इज इक्वल टू ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन। याद रखिएगा ऐसा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, कौन सा पॉइंट, ल्यूमिनस इल्यूमिनेशन, यानी इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेंस। ध्यान रखिएगा पिछले वाले में हम लोग क्या पढ़े, ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय सोर्स पर सोलिड एंगल, लेकिन इस बार ये वाला नहीं है, इस बार होगा, ध्यान से समझिएगा, इस बार इसको डिनोट करते हैं ई से, क्या होगा इस बार, तो ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय सोर्स इन अ स्पेसिफिक परपेंडिकुलर एरिया, सोर्स इन परपेंडिकुलर एरिया। अब समझिएगा इज कॉल्ड इल्यूमिनेंस। समझिएगा इस बात को, क्या बोल रहा है कि ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय सोर्स इन यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ये एक सोर्स है, ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सोलिड एंगल की बात किए थे, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर एरिया बोल रहा है, ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट चारों डायरेक्शन में निकल रहे हैं कि नहीं, एकदम प्रैक्टिकली समझिए कि ये एक बल्ब है, ये बल्ब से चारों डायरेक्शन में क्या निकल रहे हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है। तो इल्यूमिनेशन किसको बोलेंगे, तो इल्यूमिनेशन मान लिया जाइए है ये सोर्स है, इससे ये लाइट हो रहा है, तो बोलता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो यहाँ से निकल रहा है, ये ल्यूमिनस फ्लक्स इसके परपेंडिकुलर एरिया, मानते हैं ये बोर्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, जब यहाँ पर लाइट है तो यहाँ से लाइट जा रहा है, तो हमको ल्यूमिनस इल्यूमिनेंस निकालना है, तो जितना दूर का निकालना, मान लिया जाए इतना दूर का, तो ये ल्यूमिनेंस इस ल्यूमिनस फ्लक्स इस परपेंडिकुलर एरिया के जब हम रेशियो निकालेंगे तब वो क्या देगा हमको, ल्यूमिनस इल्यूमिनेशन देगा, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स इन यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, इसका एरिया मान लिया जाए 10 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ से ये फ्लक्स कितना दे रहा है, 1 ल्यूमेन दे रहा है, तो 1 ल्यूमेन बाय 10 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका इल्यूमिनेंस हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इल्यूमिनेंस
बराबर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स बाय परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकली देखें कि यहाँ पे क्या है, एक बल्ब जल रहा है और इस बल्ब से ये सरफेस क्या हो रहा है, इसको लाइट मिल रहा है, तब इल्यूमिनेंस किसको बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये ल्यूमेन, जितना ल्यूमेन जा रहा है, जितना एरिया की हम लोग की बात करें, हम सिर्फ इतना दूर की बात करेंगे, तो 10 मीटर स्क्वायर सपोज अगर माने तो 10 मीटर स्क्वायर और ये वाला, इसका और 10 मीटर का रेशियो निकाल देंगे तो वो क्या देगा हमको, इल्यूमिनेंस देगा। इसी को हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर इल्यूमिनेंस क्या है, ज़्यादा है, यानी जनरली यहाँ पे चमक क्या है, जनरली चमक अलग है, ब्राइटनेस अलग होता है, ग्लेयर अलग होता है, इल्यूमिनेशन अलग होता है। लेकिन हम लोग आम समझ सकते हैं कि अगर इल्यूमिनेंस ज़्यादा है यानी सरफेस एरिया पे, अच्छा बताइए ये इल्यूमिनेंस का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, कब होगा, जब ल्यूमिनस फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी जो लाइट के द्वारा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है वो इतना ही एरिया में ढेर सारा हो जाए। दूसरा ये वाला का वैल्यू अगर बढ़ा दे या तीसरा ये वाला का वैल्यू कम कर दे, यानी 5 ल्यूमिन लाइट था वो 2 ही यूनिट एरिया में जा रहा है, 5, एक इतना एरिया में 5 ल्यूमिन जाता और एक बड़ा वाला में जाता, बताइए कहाँ पर ज़्यादा होता है इल्यूमिनेशन। ऑब्वियसली है कि छोटा वाला में इल्यूमिनेशन ज़्यादा होता, कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा घर में ढेर सारा लाइट है, नहीं ये छोटा घर हुआ और ये यहाँ पे 5 ल्यूमिन लाइट है और यहाँ पे भी 5 ल्यूमिन लाइट है, तो बताइए इल्यूमिनेशन किसका ज़्यादा होगा, एकदम सिंपली वे में, ये छोटा में ही 5 ल्यूमिन है और ये बड़ा वाला में 5 ल्यूमिन है, समझ में आ रहा होगा, यानी ऑब्वियसली है कि इसका जो इल्यूमिनेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये थे कुछ टर्म जो हम लोग पढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसको लिखिए, लिखने से याद होता है, बात समझिएगा, और वीडियो को क्या करना है पता ही होगा, शेयर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर से बोल रहे हैं लाइक कीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।